सब्सक्राइब कीजिए पिजन मस्ती चैनल को और पास में बने बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पिजन मस्ती पे। गाइस, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप कबूतर पालने की स्टार्टिंग करते हो या फिर स्टार्टिंग करने का सोच रहे हो, तो आपके मन में भाई सबसे पहला क्वेश्चन जो रहता है कि कौन सा कबूतर हमें लाना चाहिए, कौन से ब्रीड का कबूतर होना चाहिए और उसका प्राइस कितना होगा, ठीक है, और कहाँ से कबूतर लें, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं आपके दिमाग में। तो ये सारी बातों का जो है मैं आज आपको जवाब दूंगा, आपको बताऊंगा अपनी तरह से भाई, पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो गाइस देखो, आप अगर स्टार्टिंग करते हो कबूतर पालने की, आज से पहले आपने कभी भी पहले कबूतर नहीं पाले थे, आपको कबूतर के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आपको कैसे कबूतर लाने चाहिए? तो आप सोचो कि कैसा कबूतर लाऊं, कौन सी ब्रीड का कबूतर लाऊं, तो ये क्वेश्चन आपके मन में नहीं होना चाहिए भाई। अगर आप पहली बार कबूतर पालते हो ना, तो ये क्वेश्चन दिमाग में मत रखना कि मैं कौन से ब्रीड का कबूतर लाऊं। आप अपने दिमाग में ये चीज़ रखना कि मेरे को सस्ता कबूतर मिले, मेरे को जितना हो सके उतना सस्ता कबूतर मिल जाए। क्योंकि होगा क्या, आप ब्रीड के पीछे भागोगे या कोई नस्ल के पीछे भागोगे, तो भाई वो जाहिर सी बात है, अगर वो अच्छे नस्ल का कबूतर होगा तो कबूतर कॉस्टली आएगा, महंगा आएगा। तो जो आप भाई 1500 2000 में एक या दो कबूतर लाओगे, उससे अच्छा उतने में ही आप 6-7 कबूतर ला सकते हो। जो 250-300 के रेट से कबूतर मिलते हैं, वो कबूतर आप ला लो और पहले उनको छत पे अच्छे से सेट करो। क्योंकि कबूतर टिकाने में भाई जो स्टार्टिंग में जितनी मुश्किल आती है ना, जो काम है आपको, जो मुश्किल है आपको, वो स्टार्टिंग में आने वाली है, उसके बाद आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद तो भाई मैं अगर अपनी बात बताऊं, तो जब मैंने भी कबूतर पाले थे ना, तो थोड़ा मेरे को लगता था, डर लगता था कबूतर खरीद के लाता था। मेरे पास 2-3 कबूतर हो गए थे, उसके बावजूद भी मेरे को कबूतर के पर खोलने में थोड़ा डर लगता था कि कबूतर भाग जाएगा कि क्या। लेकिन अगर मैं बात करूं इस समय पे, तो भाई मेरे को बिल्कुल वो नहीं होता। कितने कबूतरों का तो भाई एक दिन में ही पर खोल देता हूं, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन, इससे ज़्यादा भाई मैं पर बांध के नहीं रखता, चाहे कबूतर भाग जाए चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि भाई जैसे जैसे आप कबूतर पालोगे, वैसे ही आपका जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ जाएगा, आपका जो नॉलेज है वो बढ़ेगा, आपको पता चल जाएगा कि कबूतर में क्या चीज़ देखा जाता है। कबूतर का अभी आपको मैं ऐसे बोलूँगा कि कबूतर का मिजाज देख के पर खोला जाता है, कबूतर आपके कबूतर के साथ घुला है, मिला है कि नहीं। लेकिन अगर आपको कुछ कबूतर के बारे में नॉलेज ही नहीं है, कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो आपको क्या पता चलेगा कि कबूतर का मिजाज कैसा है, कबूतर आपके कबूतरों के साथ घुला है, मिला है कि नहीं। इसलिए भाई जो एक्सपीरियंस और नॉलेज है ना, वो काफ़ी ज़्यादा काम आता है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कोई भी चीज़ में, सिर्फ कबूतरबाजी में ही नहीं, हर एक चीज़ में जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा काम आता है। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हो, तो महंगा कबूतर मत लाना। क्यों नहीं लाना? क्योंकि अगर मान लो वो कबूतर आप लाते हो, अच्छी नस्ल का कबूतर है, घर का भी पक्का है कबूतर, उड़ान वाला कबूतर आप ला दियो, और वो कबूतर, एक तो आपके छत पे कबूतर कभी है नहीं, आपको कुछ एक्सपीरियंस है नहीं कि कबूतर का पर कितने दिन बाद दूँ, कबूतर का पर काट दूँ या क्या करना चाहिए, कुछ नहीं पता आपको। आप कबूतर लाए, पर बांध के रखे हो, और कभी कभी क्या होता है पता है, कबूतर अपने आप भी टेप जो है अपनी चोंच से खोल लेता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप उसको बाहर निकालोगे और वो फटफटा के उड़ जाएगा। इसलिए, या फिर आप मान लो कबूतर ने पर नहीं खोला, आपने खुद ने पर खोल दिया, कबूतर नहीं जा रहा है, अपना इधर उधर है। लेकिन अगर ज़्यादा उड़ान वाला कबूतर है, अगर वो जैसे मेरे कबूतर हैं, जैसे मेरा कासनी पट्टा है, पल्टर कबूतर है, जैसे उड़ते ही ये लोग आसमान पकड़ लेते हैं, ऐसे कबूतर आप खरीद के लाते हो, तो भाई ऐसे कबूतर तो आपके पास टिकने ही वाले नहीं हैं। ऐसा नहीं कि कोई नहीं टिका सकता, टिका सकते हैं, लेकिन भाई काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आएगी। क्योंकि ये कबूतर अब मेरे छत के ऊपर उड़ते हैं, उसके बावजूद भी मैं कितना भी कोशिश कर लूँ देखने का, नहीं दिखते, ठीक है, मेरे को थोड़ा भी नहीं दिखते। जब कबूतर नीचे आने लगते हैं तब दिखना चालू होते हैं। तो
आपके छत पे कबूतर नहीं है तो पहली बार कबूतर आपका उड़ेगा तो उतरेगा कैसे भाई, वो भटक जाएगा। आपको पता ही होगा मैं काफ़ी वीडियो बनाया हूँ कि अगर आप नए कबूतर उड़ाओ तो अपने कुछ पुराने कबूतर को छत पे खोल दो और उनके साथ में भी पुराने कबूतर उड़ाओ, जिससे कबूतर भटके नहीं, और अगर इधर उधर भटके तो जो कबूतर आपके छत पे उनसे फड़क देके आप कबूतर को उतार लो। लेकिन जब आपके पास कोई पुराना कबूतर ही नहीं रहेगा तो आप कैसे फड़क दोगे और कैसे कबूतर के साथ में उड़ाओगे, ठीक है। और बात रही कि क्या जो कबूतर सस्ते में लाऊंगा वो नहीं भागेगा, बिल्कुल भाग सकता है भाई, ऐसा नहीं कि नहीं भागेगा। लेकिन जो कबूतर आपका 2000 में आपने दो कबूतर लाए और 2000 में 6 या 7 कबूतर लाए, तो ऐसा तो नहीं होगा भाई कि आपके 6 या 7 के साथ भाग जाएंगे। भागेंगे तो 2 भागेंगे, 3 भागेंगे, 4 भागेंगे, ठीक है, कम से कम 2-3 तो रहेंगे, और उस तरीके से तो भाई आपका वो भाग जाएगा। और जो 2-3 रहेंगे उससे भी अगर मान लो आपका कबूतर इधर उधर बैठता है तो आप फड़क देके, चाहे कबूतर दीवार पे बैठे हैं तो देख के आ सकता है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो आपको यही कोशिश करना है स्टार्टिंग में कि कम से कम कीमत वाला कबूतर लाया जाए और कबूतर की उड़ान भी ज़्यादा ना हो, ठीक ठाक हो। बात रही भाई ब्रीड की, तो मेरी सोच के हिसाब से आप ऐसा कबूतर लाओ जो देखने में भी बढ़िया लगे। अगर आपको सस्ते में मिलता है तब लाना, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि वो ब्रीड का कबूतर लाओ तो वो लाओ, ऐसा नहीं। अगर आपको सस्ते में वो कबूतर मिल जाता है तब आप वो कबूतर ला सकते हो। जैसे मेरे पास वाइट कबूतर हैं, सफ़ेद पूरे बेदाग कबूतर, कुछ कुछ कागजी बोलते हैं, जो कबूतर मतलब ठीक ठाक उड़े, उतना ऊपर ना जाए कि आसमान बंद हो जाए कबूतर, इतना उड़े कि हमें नज़र आए, ऐसा कबूतर आप लाओ, समझ रहे हो। और वह भी जब कबूतर आपको रीजनेबल प्राइस में मिल रहा है तब। गाइस मैं रियली बता रहा हूँ, मैं काफ़ी ऐसे बंदों को देखा हूँ जो स्टार्टिंग करते हैं और उनका जो शौक़ होता है ना 1 या 1.5 महीना, इससे ज़्यादा शौक़ नहीं कर पाते वो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना होगा उनका शौक़, उसके बाद उनका शौक़ बंद हो जाता है। उनसे पूछा जाता है क्यों भाई आपने कबूतर पालना क्यों छोड़ दिया, तो उनका जवाब होता है कि भाई ये सब बेकार है, एक तो कबूतर खरीद के लाओ इतने महंगे मिलते हैं और कुछ भी कर लो कबूतर भाग जाते हैं। तो भाई आपको थोड़ा भी नॉलेज है नहीं कि कबूतर के पर कब खोलें। मेरा तो भाई ये सलाह है ना कि अगर कभी भी आप लगा लगाया जोड़ा लेके आओ तो कम से कम 1 हफ्ता उनका पर बंधे रहने दो, और अगर जोड़ा एकदम लगा हुआ हो, पेयर जो है उनका लगा लगाया हो, तो फीमेल का पर खींच दो या काट दो और मेल का पर बंधे रहने दो, 10 दिन के बाद मेल का पर खोल देना। इससे होगा क्या, मेल फीमेल के पीछे रहेगा तो फीमेल तो आपकी पर कटी में है, वो तो उड़ नहीं सकती, मेल आपका धीमे धीमे, मेल को भी उड़ाना नहीं है, धीमे धीमे वो अपने आप जहाँ ऊपर नीचे कर रहा है करने दो उसको, जैसा कर रहा है करने दो उसको, लेकिन वो धीमे धीमे अपने आप से ही एकाध राउंड मारेगा, इलाका पहचानेगा, और जब तक फीमेल का नए पर आएंगे ना तब तक वो इलाका देख चुका होगा और फीमेल भी आपके घर की पक्की हो चुकी होगी, काफ़ी टाइम से आपके घर पे रहते रहते हैं, तो जब वो उड़ेगी और इधर उधर भटकेगी भी ना तो मेल को के साथ में वापस आ जाएगी, समझ रहे हो। तो गाइस कुछ कबूतरबाजी उतना भी मुश्किल नहीं है और इतना भी आसान नहीं है, अब आपकी सोच पे डिपेंड है कि आप उसको किस नज़रिए से देखते हो, क्या सोचते हो। तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे और इंस्टा पे भी कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई मैं भी कबूतर पालना चाहता हूँ तो कैसे कबूतर लाऊँ, कैसे स्टार्टिंग करूँ, कितने के कबूतर लाऊँ। तो हमने सोचा भाई इस पे वीडियो बनाना चाहिए जिन लोगों को कबूतर पालने की स्टार्टिंग करनी है, ठीक है। आप बिल्कुल ज़्यादा पैसा वाला कबूतर मत लाना भाई, क्योंकि कबूतर कम पैसे का रहे या ज़्यादा पैसे के रहे, आपको तो पहले सेट करना है कबूतर। एक बार आपके छत पे कबूतर सेट हो गए उसके बाद आप लाओ जैसे कबूतर आपको लाना है लाओ, आसमान में बंद होने वाले कबूतर लाओ या फैंसी कबूतर लाओ या चाहे कितने भी एक्सपेंसिव लाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्योंकि एक बार जब आपके छत पे 5-6 कबूतर 10 कबूतर टिक चुके होंगे ना, तब जो आप कबूतर लाओगे उसके भागने का चांस जो है ना, अगर आपको थोड़ा नॉलेज हो जाएगा तो बस 10% रहेगा कि कबूतर भागेगा।
वो अभी 10% क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ कुछ कबूतर इतने अपने घर के पक्के हो जाते हैं ना कि चाहे जो कर लो भाई वो रहते ही नहीं है, ठीक है। और उनको भी अगर टिकाना आना अगर उस बंदे को आ रहा है तो उस कबूतर को भी वो अपने छत पे सेट कर लेगा, लेकिन मैं नए बंदों की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो। अगर आपके छत पे 10 से 15 कबूतर या 5 कबूतर 4 कबूतर भी आपके पुराने हो जाते हैं, वो चाहे कैसे भी कबूतर हो, कम उड़ने वाले हों चाहे जैसे भी हों, तो आप कैसे भी कबूतर लाओ कोई दिक्कत नहीं है। वो कबूतर अगर आपके आसमान में भी चला जा रहा है, पहली बात तो आप उसको अपने पुराने के साथ उड़ाओगे, अगर वो कम उड़ने वाले हैं तो वो ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा भी तो उनके साथ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर इधर उधर वो भटकेगा भी तो आप फड़क देके कबूतर को बुला सकते हो और कबूतर का आने का चांस भी रह सकता है, ठीक है। तो गाइस मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ आ गया होगा कि आपको कैसा कबूतर स्टार्टिंग में लाना चाहिए, ठीक है। और मैं और एक चीज़ बता दूँ, आप लोग बहुत ज़्यादा पूछते हो कि भाई कौन सी ब्रीड का कबूतर लाएं, तो जैसे मैंने बोला कि आपको सबसे पहले देखना है कि कबूतर सस्ता होना चाहिए, लेकिन तो भी ब्रीड बता देता हूँ भाई। देखो आप जब कबूतर की स्टार्टिंग करोगे तो आपको दो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, एक तो कबूतर थोड़ा उड़ना चाहिए, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत तो उड़ना ही चाहिए, और दूसरा कबूतर देखने में बढ़िया होना चाहिए। तो भाई ये दोनों खूबी जो है, ये कागजी कबूतर जो होते हैं ना, जो पूरे सफ़ेद होते हैं, आपको सामने एक हमारी कागजी फीमेल दिख रही होगी, घर की पट्टी है वो दिख रही है, वैसे कबूतर आप ला सकते हो। फिर एक जो हमारा मकवा है जिसके पैर में बाल है मुज्जर, वैसे कबूतर लाओ। क्या है, वो कबूतर जितना आपकी चाहत है कि हाँ कम से कम कुछ तो उड़ें, उस हिसाब से वो कबूतर उड़ेंगे भी, और कबूतर जो है ना देखने में भी भाई एक नंबर, पूरा सफ़ेद बहुत बढ़िया दिखेंगे। लेकिन अगर ये आपको अच्छे कीमत में सस्ते दामों में मिल रहे हैं तभी लाना, नहीं तो मत लेना, ठीक है। गाइस अब बात हो गई कि कैसे कबूतर लाना चाहिए, कौन से ब्रीड के कबूतर लाना चाहिए, लेकिन और एक चीज़ जो है आपके दिमाग में सवाल घूमता रहता है कि कहाँ से कबूतर खरीदें, ठीक है, किसके पास से कबूतर लें। तो भाई ये तो आपके इलाके में डिपेंड करता है कि कबूतर कहाँ मिलता है। कुछ लोग बोलते हैं भाई हमारे इधर कबूतर नहीं मिलते, ठीक है, तो गाइस ऐसा नहीं हो सकता। हाँ ये मैं मान सकता हूँ कि आपके गांव या फिर जो आप जिस साइड आप रहते हो उधर ना मिलते हो, लेकिन कुछ दूरी पे तो भाई ज़रूर मिलते होंगे, इतना मेरे को कंफर्म पता है। तो आप पता करना, जल्दीबाजी मत करना, अगर मिलता है तो ले लेना, नहीं तो भाई बहुत सारे लोग डिलीवरी भी करा देते हैं, तो उनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है, तो आप वहाँ से कबूतर ले सकते हो। तो गाइस मैं आशा करता हूँ कि आपके जितने भी डाउट होंगे, अगर आप कबूतर पालने की स्टार्टिंग करते हो तो उसका मैं रिप्लाई दे चुका हूँ इस वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और आपको पता होगा भाई हम लोग 6K के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं, तो प्लीज़ भाई 6K करा दो, ठीक है, 6K करा दो। और इंस्टा पे जो जो भाई फॉलो नहीं किए हैं भाई जाओ इंस्टा पे फॉलो कर लो, उस पर भी अच्छे अच्छे कबूतरों की पिक्स रील्स आती रहती हैं, तो देखने में काफ़ी मज़ा आता है, और जो आपके डाउट्स होते हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो इंस्टा पे आ जाओ और फॉलो कर लो। और गाइस मैंने आपको बोला था 10K पे कबूतर लाने, तो भाई आप लोग जो है कमेंट्स में मेरे को बताओ कि मेरे को कैसा कबूतर लाना चाहिए, ठीक है, जो कबूतर आपका मन कर रहा है कि हाँ मेरे को ये कबूतर लाना चाहिए अपने छत पे, तो आप लोग कमेंट्स करके बताओ। और जब हम 10K के नज़दीक आ जाएंगे तो भाई वोटिंग होगा, और जिस कबूतर पे ज़्यादा वोट पड़ेंगे वोट भी आपको ही करना है, आपके ही मर्जी से सब कुछ होगा, तो वो कबूतर को लाया जाएगा। और अगर मैं बात करूँ कि मैं कौन सा कबूतर लाना चाहता हूँ, तो भाई मेरी बात करो तो मेरे पास उड़ने वाले में से तो भाई काफ़ी बढ़िया बढ़िया कबूतर हैं। मेरे को एक सिराजी लाने का मन है, क्योंकि काफ़ी मैंने एक, आपको पता होगा लाल कलर का सिराजी का पोस्ट मैंने किया था, तो काफ़ी बंदे बोल रहे थे भाई ऐसा कबूतर आप ला लो, काफ़ी बढ़िया कबूतर है, ऐसा ऐसा कमेंट्स आ रहा था, तो देख के काफ़ी मज़ा आया और मन किया हाँ भाई मेरे को भी ऐसा लाना चाहिए। लेकिन भाई अपने मर्ज़ी से नहीं चलेंगे, आप लोग कमेंट्स करके बताओ हमें कौन से कबूतर लाने चाहिए, ठीक है, सिराजी लाने चाहिए, कौन से लाने चाहिए। और अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि कौन से कबूतर की ब्रीड है, तो भाई तुरंत जाओ इंस्टा
का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करो तुरंत इंस्टा पेज पे पहुंच जाओगे। और उस पर मैं कुछ टाइम में धीमे धीमे जो है कोशिश करता रहता हूँ कि बहुत सारी ब्रीड का जो है ना इमेज मैं अपलोड कर दूँ, तो आप उस पर देख के मेरे को कमेंट्स कर सकते हो कि भाई आप ये कबूतर लेके आओ, ठीक है। आप जो कबूतर बोलोगे भाई 10 के होने पे वो कबूतर लाया जाएगा। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, धीमे धीमे काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो बनती जा रही है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फटाफट 6K तक पहुँचा देना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से कोई और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।